लंबे समय से पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन हैं जो सिर्फ निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की हथियार निर्माता कंपनियों ने कराची में जारी हथियार की प्रदर्शनी में पहली बार ऐसा ड्रोन पेश किया है जिनका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों ने ड्रोन का नाम पहली बार तब सुना जब अमेरिकी ड्रोन विमानों ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में चरमपंथियों को निशाना बनाना शुरू किया था। पाकिस्तान ने ड्रोन की दुनिया में पहला कदम सर्विलांस ड्रोन बनाने की शुरुआत के साथ रखा। पाकिस्तान सरकार की कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के सीईओ असद कमाल बताते हैं कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से उन्हें साफ कहा गया है कि जिन तकनीकों के लिए पाकिस्तान विदेशों पर निर्भर है उन्हें धीरे धीरे पाकिस्तान में विकसित करना शुरू किया जाए, इससे विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा। आइडियाज की जो 2018 में आखिरी प्रदर्शनी हुई उसमें बराक नाम का सर्विलांस ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया गया। इसका काम सिर्फ वीडियो बनाना और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना था। असद कमाल बताते हैं कि इसके बाद हमने अपने अगले मंसूबे पर काम करना शुरू किया। हमारी सेना की भी ये ज़रूरत थी कि ना सिर्फ वो टारगेट को देख सके, घेराव कर सके और अगर चाहे तो उसको तबाह भी कर सके। इसके बाद हमने रिसर्च की और शाह पर टू ड्रोन पर काम किया। असद कमाल ये भी बताते हैं कि जब आप कोई तकनीक असेंबल करते हैं या दूसरे देश से हासिल करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो देश आपको तकनीक देना बंद कर दे तो आपका प्रोडक्ट अधूरा रह जाता है और फिर ना आप इसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बरामद कर सकते हैं। लिहाजा इस ड्रोन की बुनियादी तकनीकी को पाकिस्तान में ही बनाया गया है। अब सवाल है कि पाकिस्तान के इस ड्रोन से भारत पर क्या असर पड़ेगा, कितना ताकतवर है पाकिस्तान का नया शाह पर ड्रोन। तो इस ड्रोन का नाम शाह पर 2 है। ये एक मानव रहित लड़ाकू एरियल व्हीकल है। इसे पिछले साल ही कंपनी ने बनाया। इसे तत्काल सर्विस में भी ले लिया गया है। इसके अंदर 50 किलोग्राम और बाहर की तरफ 120 किलोग्राम का पेलोड लगाया गया है। शाहपुर 2 ड्रोन 826.3 फीट लंबा है। इसका विंग स्पेस 52.5 फीट है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 850 किलोग्राम तक जा सकता है। ये अधिकतम 222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। शाहपुर 2 ड्रोन की क्रूज स्पीड यानी कि सामान्य उड़ान की समय गति 158 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सर्विलांस के समय ये लगातार 14 घंटे और हमला करते समय ये लगातार 7 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। शाहपुर 2 ड्रोन अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। उसमें बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल लगी होती है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 8 किलोमीटर है। ये मिसाइल 45 किलोग्राम की होती है। शाहपुर 2 ड्रोन में गिड्स जुर्म 2 मल्टी सेंसर ट्रे लगी है। इसके अलावा ऑटोनॉमस GPS बेस्ड ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। 300 किलोमीटर की दूरी तक ये रियल टाइम डेटा देता है जबकि 1050 किलोमीटर की दूरी तक सेटकॉम डेटा लिंक मिलता है। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान के हथियारों को कौन कौन से देश खरीदते हैं। हथियारों की इस प्रदर्शनी में तुर्की के ड्रोन भी प्रदर्शित किए गए। ये ड्रोन तुर्की की सेना व इसके अलावा उसके सहयोगी देश इस्तेमाल करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति को गोली से निशाना बनाने से लेकर मिसाइल लॉन्च तक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कई तरह के ड्रोन और नए नए हथियार इस प्रदर्शनी में दिखाए गए। इनमें नए ड्रोन के मॉडल भी हैं। चीन ड्रोन को कई तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। पाकिस्तानी दुनिया के ऐसे देशों में शामिल है जो सैन्य हथियार बनाता है, बेचता है और खरीदता है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के सीईओ असद कमाल कहते हैं कि वो 16 से अधिक देशों में पाकिस्तान में बनाए गए हथियार एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मध्य एशिया, मलेशिया, अफ्रीका में अल्जारिया, कांगो, दक्षिणी अमेरिका देश, पेरू आदि शामिल है। इसके मुताबिक शाहपुर 2 के एक्सपोर्ट में भी उनकी दिलचस्पी है। वहीं पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री का कहना है कि उनका अबाबिल सीरीज का इस्तेमाल जल्द ही पाकिस्तान सेना में किया जाएगा और कुछ
विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भी इसे लेकर दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रवक्ता के मुताबिक POF ने 40 से अधिक देशों को $30 करोड़ से अधिक के हथियार बेचे हैं।